पेटीएम पेमेंट बैंक बैन होने के बाद मेरे पास ये कमेंट आ रहा है कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक के बदले हम भाई कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं, कौन सा बैंक अकाउंट हम भाई यूज कर पाएंगे। पहले इस वीडियो में आप लोगों को भाई जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपका भाई पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो चुका है और उसके जगह कोई दूसरा बैंक आप देख रहे हो तो आप भाई जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा सकते हो। इस अकाउंट को ओपन करते ही इंस्टेंट अपना मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग भाई रजिस्टर कर पाओगे और इसमें आप लोगों को भाई डेबिट कार्ड का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा और अकाउंट एक्टिवेट होती आप गूगल पे फोन पे पेटीएम यूपीआई भीम वगैरह सब कुछ यूज कर पाओगे। सो इस वीडियो में आप लोग भाई पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे आप लोग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करना है। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग जो भाई चैनल पे विजिट करते हैं लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो रिक्वेस्ट आप भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम को भी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हूँ। सिंपल सा भाई लिंक पे क्लिक करना है और सीधे अपने भाई ब्राउजर पे चले जाना है। बेसिकली जैसे आप भाई लिंक पे जाते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बताया जरा डिजिटली अकाउंट ओपनिंग थॉट वीडियो के वाई सी और ये आपका अकाउंट भाई टोटली जीरो बैलेंस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे आपका वीडियो के वाई सी का कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। इस अकाउंट का बेनिफिट है जैसे कि आपका फुल के वाई सी इन फ्यू मिनट में ओपन कर दिया जाएगा, एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी आप इजिली ओपन कर सकती हो। प्लस यहाँ पे इजिली अपना भाई बैलेंस चेक वगैरह कर सकती हो, डिपोजिट वगैरह कर पाओगे और यहाँ पे आप लोग भाई इजिली टाइम बचत मिल जाएगा। प्लस किसी भी इंसान से मिलने की जरूरत नहीं है, फिजिकल कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। बात करें इसका एलिजिबिलिटी 18 प्लस में होना चाहिए तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। इंडिया का पर्सन होना चाहिए तो इंडिया का एड्रेस प्रूफ आप लोगों को देना पड़ेगा। न्यू बैंक अकाउंट आप ओपन कर रहे हो तभी आपका ओपन होएगा, अदरवाइज पहले से अकाउंट है दोबारा ओपन कर रहे हो तो ओपन नहीं होएगा। बाकी नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बट मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल एंड डेस्कटॉप का सुविधा होना चाहिए जिसमें कैमरा हो, 4G कनेक्शन होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और व्हाइट शीट ब्लू पेन या ब्लैक पेन होना चाहिए। सो अब देखिए कैसे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे स्टार्ट बटन मिलेगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा भाई लोडिंग में टाइम लगता है। यहाँ पे बताया जा रहा है ओपन फुल फीचर्स डिजिटली अकाउंट फ्रॉम को यूज करके आप ओपन कर पाओगे, जमा करो जना करो का ऑप्शन यहाँ पे टैगलाइन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इनिशियल फंडिंग वगैरह करना है बट यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद पेपरलेस अकाउंट है, अनलिमिटेड यहाँ पे वैलिडिटी देखने को मिल जाएगा। इनिशियल फंडिंग 2500 रुपए आपको कम से कम करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है 2500 रुपए कम से कम इनिशियल फंडिंग करना है। डिजिटली अकाउंट है, इजिली कोई भी दिक्कत नहीं है। सो उसके बाद नीचे में इसका भाई पूरा डिटेल देख लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपन करने के लिए, आप लोगों को क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका ओटीपी वेरीफाई करना है, उसके बाद पैन कार्ड आधार कार्ड उसका आपको भाई वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे पैन वैलिडेट करना है, उसके बाद आधार कार्ड का ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल में आपका नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, ऑक्यूपेशन डिटेल और आपका एनुअल इनकम डिटेल, ये सब आप लोगों को डिटेल देना है। फिर वीडियो के वाई सी, उसके बाद फंड ऐड कर देना है, इजिली सक्सेसफुल आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप इजिली गूगल पे फोन पे यूज कर सकती हो, बट वीडियो के वाई सी कंप्लीट करने के लिए ओरिजिनल आपका पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, व्हाइट शीट होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए और मोबाइल और डेस्कटॉप में कैमरा होना चाहिए, प्लस 4G कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। सो ऊपर में स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे भाई क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे इस बैंक में आप लोगों को तीन तरह का अकाउंट मिलेगा, जैसे सेविंग एफडी अकाउंट या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। सो हम बात करने वाले सेविंग अकाउंट, सो इस पे भाई टर्म्स पे क्लिक कर देना है, सेविंग अकाउंट पे भाई क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर अपना भाई यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर रहेगा उस वो नंबर यहाँ पे फिल कर देना है और आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देना है। सो मैंने अपना भाई ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करना है, आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देना है। मेरे भाई यहाँ पे ओटीपी आ चुका है ईमेल आईडी का और मैंने यहाँ पे इजिली भाई वेरीफाई कर दिया है, देख सकते हो ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है प्लस मोबाइल नंबर का ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है मूव टू सेकंड स्टेप, सिंपल सा इजिली आपका ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, जैसे आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, सबसे पहले पैन नंबर यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो मैंने अपना यहाँ पे देखिए पैन नंबर फिल कर दिया और यहाँ पे पैन वेरीफाई होती है, यहाँ पे जो भी पैन कार्ड पे नाम रहेगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो मैं अपने भाई फादर के नाम से अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, सो मेरे फादर का यहाँ पे नाम आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का आपके पास नंबर है सो इस पे टिक करना है, या वर्चुअल आईडी है इस पे टिक करना है, या आपके पास CKYC नंबर है सो इस पे टिक करना है। सो मैं आधार कार्ड से ओपन करूंगा, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर दूंगा। नंबर फिल करते यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक भाई मेरा ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे ओटीपी मैं फिल कर दूंगा, टर्म्स पे भाई टिक कर दूंगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आधार ओटीपी फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे अपना नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, टर्म्स क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे जैसे आप भाई क्लिक करोगे आपका आइडेंटिटी डिटेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपके आधार कार्ड में पैन कार्ड में जो नाम रहेगा वो देखने को मिल जाएगा, ओके बटन पे हम भाई क्लिक कर देंगे।
अब उसके बाद इजिली यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस तरह का डिटेल आ जाएगा, आपका आधार कार्ड में जो भी नाम रहेगा वो देखने को मिल जाएगा, आप कितने साल के वो यहाँ पे बताया, जरा आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा अगर आप आधार कार्ड के एड्रेस पे रहते हो, यस, अदरवाइज नहीं रहते तो नो बटन पे क्लिक करके आधार कार्ड का एड्रेस अपना फिल करना पड़ेगा, बट मेरे केस में मैं आधार कार्ड के ही एड्रेस पे रहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मदर के नेम फिल कर देना है, फादर के नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आप लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल जो भी रहता है वो आप लोगों को भाई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनुअल इनकम रहता है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को भाई टिक कर देना है, टिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे आप भाई क्लिक करते हो उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। बट मेरे केस में भाई यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, बार बार मेरा एरर यहीं पे आ रहा है। एरर किस वजह से आ रहा है मैं बता देता हूँ, मेरे एरिया में भाई इसका सर्विस नहीं है, इसी वजह से बार बार ऐसा एरर आ रहा है। मैंने 2-3 बार भाई ट्राई किया, तो आगे क्या डिटेल आता है वो मैं आप लोग भाई कंफर्म कर देता हूँ। देखो इसके आगे जैसे आप भाई आगे करते हो ना, तो आगे आप लोग का भाई बताया जाएगा कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हो, ब्रांच अपना सेलेक्ट करो। तो मेरे एरिया में भाई ब्रांच नहीं है, एरर आ जा रहा है बार बार। और उसके बाद जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो आपको भाई बीकेवाईसी के लिए बताया जाएगा, फिर उसके बाद इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। सो इजिली आप भाई कर लेना, इजिली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके आगे आप लोगों को भाई क्या करना है, होप आप लोग जो भी डाउट हो भाई क्लियर हो चुका है। अदरवाइज फिर भी इसके रिलेटेड में कोई क्वेश्चन रहता है ना, सो नीचे भाई कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, पेज पे देख रहे हो भाई पेज को फॉलो कर लेना, चैनल पे देख रहे हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।